क्या आप भी इस तरीके से अपने इमेजेस को वीरे के अंदर 3ds Max में कंपेयर करके देखना चाहते हैं? ये वाली यहाँ पे टैब अगर आपके पास भी नहीं आ रही है तो इसको कहाँ से लेके आ सकते हैं और किस तरीके से आप अपने रेंडर को कंपेयर करके देख सकते हैं, कितने भी रेंडर को आप कंपेयर कर सकते हो, ए और बी यहाँ पे मल्टीपल रेंडर्स आ जाएंगे, जिस जिसको भी कंपेयर करना है तो आप उसको भी कंपेयर करके यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसपे आपको इससे रिलेटेड वीडियोस टाइमली मिलती रहती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरी एंड्रॉयड ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो दीपक वर्मा के नाम से मेरी एंड्रॉयड ऐप है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसपे आपको सभी कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी। माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हो अगर आप आईफोन यूजर हैं, जिसपे आप ODIMM मेरा ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल सकते हो। आप देखोगे कोर्स पे जाके तो हमारे कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं, लाइव कोर्सेज। ऑटोकैड प्लस रेविट स्टार्ट होने वाला है 2nd of मार्च से, ऑटोकैड प्लस 3ds Max प्लस वीरे स्टार्ट होने वाला है 2nd of मार्च से, और 6th मार्च से स्टार्ट होने वाला है आपका डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग बैच 6। ठीक है, आप अगर आप आज से महाशिवरात्रि है, अगर आज आप परचेज करते हो इन कोर्सेज में से तो आपको अप टू 90% तक के ऑफ मिलने वाले हैं। तो जल्दी से चेकआउट करें, और मेरी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हो तो विजिट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे और सारे लिंक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और अवर कोर्सेज वगैरह बाय कर सकते हो, प्रोजेक्ट, स्टूडेंट वर्क, और कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, वो सारे लिंक आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट है जिसको नहीं पता कि किस तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। वो क्या करते हैं, वो रेंडर निकालते हैं, सेव करते हैं, फिर जाके वहां पे एज ए इमेज उसको कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा रेंडर अच्छा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी सेटिंग है, ज्यादा कुछ करने की आपको नीड नहीं है। तो देखो ये रेंडर है, काफी अच्छा निकला है। अगर मैं दूसरी वाली इमेज पे आपको दिखाऊं जो लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, अब मान लो ये 4 इमेज यहाँ पे आ रही है। मान लो मैं यहाँ पे एक इमेज को, जैसे ये है, इस इमेज को मैं यहां से डिलीट करना चाहता हूं तो डिलीट कर सकता हूं। ठीक है, सिलेक्ट किया, डिलीट। अब ये ऑप्शन आपका कहां से ओपन होता है, इस ऑप्शन को ओपन करने के लिए, बाय डिफॉल्ट ये ओपन नहीं रहता, ठीक है, अगर ये ऑप्शन आपको ओपन करना है तो आपको ऑप्शन पे जाना है। पहले तो ये देखो, ये जो एरो, ये बटन है यहाँ पे, इस पर डबल क्लिक करना है तो आपको हिस्ट्री आ जाएगी और आपको चारों ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन पे जाके VFB सेटिंग पे आपको जाना है, और यहाँ पे जाके आपको जाना है हिस्ट्री पे। अनेबल नहीं करोगे तो यहाँ पे ऐसे डिसेबल करोगे, अनेबल करोगे तो जाके वो हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखाई देगी जितनी भी आपने सेव की होगी। अब आप अपने रेंडर को मैन्युअली भी सेव कर सकते हो यहाँ पे, और आप अपने रेंडर को ऑटो सेव पे भी लगा सकते हो। अब क्या क्या ऑप्शन है वो आपको बताता हूँ। आप यूज प्रोजेक्ट पाथ को यूज कर सकते हो कि जहां पे मेरा प्रोजेक्ट सेव होता है उसी पाथ को आप इसे यूज करो, या फिर अगर आप इसे यूज नहीं करते हो तो कोई फोल्डर आप सिलेक्ट कर सकते हो जहां पे ये रेंडर्स आपके सेव होंगे, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा यूज प्रोजेक्ट पाथ ही करें, तो वहीं पे सेव हो जाएगा। ऑटो सेव करोगे तो क्या होगा कि जैसे ही आप अपने रेंडर को स्टॉप करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे रेंडर करते हो तो आपके यहाँ पे देखो रेंडर होना स्टार्ट हो रहा है, अगर आप इसे बीच में भी स्टॉप कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली इस रेंडर को सेव कर देगा। यहाँ पे फिनिश होने के बाद करोगे तो भी सेव कर देगा, बीच में स्टॉप कर रहे हो तो भी वो इस रेंडर को सेव कर देगा। ये किस वजह से हुआ, आपने यहाँ पे इसकी सेटिंग पे जाके किस पे क्लिक किया है, ऑटो सेव पे। अगर आप चाहते हो कि जब रेंडर कंप्लीट हो जाए तब जाके सेव हो तो आप यहाँ पे ऑटो सेव कंप्लीटेड ओनली को कर सकते हो, कि जो जो कंप्लीटेड है तभी सेव होंगे वरना वो सेव नहीं होंगे। ठीक है, ये आप चूज कर सकते हो। ऑटो लोड लेयर्स, जो आपकी लेयर्स है वो आपकी ऑटो लोड हो जाएगी अगर आपकी हिस्ट्री में आपने कोई पाथ दिया हुआ है। व्हेन एनेबल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, लोडेड एन इमेज फ्रॉम हिस्ट्री विल आल्सो लोड इट्स लेयर्स, जो ट्रीज हैं, लेयर्स की ट्रीज है वो भी इसको लोड कर देंगी। ठीक है, फालतू इनमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे लेफ्ट में है, बॉटम में आप इसे देख सकते हो कितने भी रेंडर है, ठीक है, कितना इसका साइज कितना बड़ा चाहिए, वो सारी चीजें किस रेशियो में चाहिए वो चूज कर सकते हो। फालतू कितने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इतने पे ही काम करेंगे जो आप यहाँ पे कर सकते हो। और मैक्सिमम डिस्क साइज कितना आपको रखना है कि जितना ही रेंडर्स में सेव हो जाए, तो वो भी आपको दिखाएगा।
अब इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ पे जाओगे तो हर एक रेंडर पे दिखाएगा कितनी देर तक रेंडर हुआ, कितनी देर में रेंडर किया, क्या इसका रेजोल्यूशन है, नंबर पे क्या है और नाम क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे भी दिखाने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर मान लो आपको मैनुअली करना है, मान लो आपने ये किया ऑटो सेव नहीं किया हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, मैनुअली उस रेंडर को जैसे आपने स्टॉप किया, जैसे अभी तो सेव हो रहा है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, सिलेक्ट करके आप यहां से डिलीट कर सकते हो, सिलेक्ट करो डिलीट करो, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये वाला रेंडर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया मैनुअली ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अब अगर आप इस रेंडर को यहाँ पे देखना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे देख क्लिक कर सकते हो, लोड ऑन VFB, तो ये रेंडर यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो ऐसे काफी सारे रेंडर आपके हो जाएंगे जिनको आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा, अगर आपको अब कंपेयर करके देखना है, दो रेंडर को कंपेयर करके देखना है, तो आप मान लो आपको इसको और इसको कंपेयर करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे है ए और बी, ए और बी हॉरिजॉन्टल आप क्लिक करो, ए कौन सा रखना है उस पर क्लिक कर दो, फिर पूछेगा बी कौन सा रखना है उस पर क्लिक कर दो, तो ए और बी आ जाएंगे, तो आप अपने रेंडर को कंपेयर करके भी देख सकते हो। ये लाइन आएगी, इस लाइन की हेल्प से दो ही चीजों को कंपेयर कर सकते हो, मान लो आप ए इसको बनाना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करो, बी इसे, तो ऐसे कंपेयर कर सकते हो, बी इसे बनाना चाहते हो तो आप ऐसे कंपेयर करके देख सकते हो, मान लो ए ये है बी ये है, या फिर ए ये है बी ये है, तो ऐसे भी कंपेयर करके देख सकते हो। तो ये चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, जो काफी कूल लगता है देखने में भी, और आपकी बहुत सारी मेहनत है जो आपकी यहाँ पे कम हो जाएगी कि आप एक चीज को रेंडर करके देख रहे हो और किस तरीके से उसका इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है, जैसे ये मैंने ए लिया बी मैंने ये लिया, ऐसे कंपेयर करके आप अपने रेंडर को देख सकते हो। तो ये था किस तरीके से आप हिस्ट्री में जाके दो रेंडर्स को आपस में कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।